बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री गहलोत की ओपन बैठक में निकली है ये बड़ी खबर। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कहा प्रदेश में लगाया जाए लॉकडाउन। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुधीर भंडारी और डॉक्टर राजा बाबू ने की लॉकडाउन की वकालत। तो 14 दिन तक रहता है इस वायरस का असर, बिना लॉकडाउन इस पर काबू संभव नहीं है, जीवित ही नहीं रहेंगे तो आजीविका का क्या करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर ये ओपन बैठक हो रही है और इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बड़ी बात कही है, प्रदेश में लगाया जाए लॉकडाउन ये कहा जा रहा है। सुशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुशांत, प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की बात विशेषज्ञ कह रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने लगातार ये कहा है कि आजीविका भी जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर जिंदगी नहीं रही तो ऐसी आजीविका का क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल पिछले करीब डेढ़ घंटे से ये बैठक चल रही है और सीएम एक एक करके सभी से संवाद कर रहे हैं और मकसद जो है वो सभी से राय लेना है। इसमें जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनकी जो भावना है, उनका जो थॉट है वो ये निकल कर आया है लगभग सभी चिकित्सकों का कि ये जो वायरस है ये 14 दिन तक रहता है और जिस तरीके से ये अपना स्वभाव बदलता है, अगर वायरस अगर बहुत तेजी से फैलता है उसके बाद शायद इस पे काबू पाना उतना आसान नहीं। इटली में, जर्मनी में, ब्राजील में, अमेरिका में ये तस्वीरें देख चुके हैं, लिहाजा राजस्थान में 14 दिन तो कम से कम इस पर हमें सख्ती बरतनी होगी। और डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर राजा बाबू जो लगातार सीएम के साथ वीसी में मौजूद रहते हैं, तीनों ने एक स्वर में कहा है कि हमें राजस्थान में लॉकडाउन 14 दिन का लगाना चाहिए। तो सुशांत, इसमें बड़ी बात ये भी होगी कि मुख्यमंत्री गहलोत क्या करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अक्सर ही विशेषज्ञों की सुनी है, चाहे धार्मिक स्थलों की हम बात करें या फिर ऐसे मसलों पर बात करें, अब क्या लगता है आपको चांसेस क्या बन जाते हैं फिर? देखिए, अलग अलग राय है, अंतिम फैसला सीएम को करना है क्योंकि उसके बाद डॉक्टर राज्य मंत्री जो डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं उन्होंने भी अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि 14 दिन का कर्फ्यू लगाया जाए, यानी सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रताप सिंह से शाम को बात कर रहे थे, जी न्यूज के साथ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, मैं कर्फ्यू के पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि सख्ती से नियमों की पालना करवाई जाए, मास्क लगाना हो, हेल्थ प्रोटोकॉल हो, यानी अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के थॉट जो है वो निकल कर आ रहे हैं। लेकिन फाइनली जो है डिसीजन सीएम को लेना है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले में चाहते हैं कि सभी वर्गों से, सभी जो एक्सपर्ट हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबसे संवाद और उसके बाद वो अपना फैसला करें। पहले शाम 7:30 बजे सीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो इसी वजह से स्थगित की गई ताकि सभी से एक जो है ओपिनियन लिया जाए, एक विचार सभी का सुना जाए और उसके बाद फैसला किया जाए। तो हम इंतजार करेंगे कि सीएम इस बैठक के बाद किस तरह का फैसला, किस तरह का डिसीजन लेते हैं। निश्चित तौर पर सुशांत, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो जनप्रतिनिधि रहे हैं जिन्होंने बड़े फैसलों से कभी भी गुरेज किया नहीं है। राजस्थान वो राज्य था जिसने सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से लॉकडाउन किया था, पिछली बार का भी हमें याद है। ऐसे में ये माना जाए कि आने वाले समय में कुछ बड़े और कड़े फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से निश्चित तौर पर लिए जाएंगे, क्योंकि विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे हमने देखा पिछली बार, चाहे सबसे पहले लॉकडाउन लगाने की बात हो या दूसरे कड़े फैसले किए गए, वीकेंड कर्फ्यू भी सीएम ने अभी लगाया है, जिस तरीके से राज्य सरकार ने परीक्षाओं को निरस्त किया या दूसरे जो कदम लोगों के लिए जरूरी है वो हमने पिछली लहर में देखे थे, लेकिन इस बार क्योंकि सभी बिल्कुल सुशांत पल पल के अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे सहयोगी सुशांत तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से ये बड़ी मीटिंग है और देखना ही होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है आने वाले समय में।